हेलो और वेलकम मेरे चैनल पे आज का वीडियो होने वाला है अबाउट सेकेंड हैंड लग्जरी कार्स जो आप खरीद सकते हो ब्रांड न्यू आई ट्वेंटी से भी कम रकम में मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली जर्मन ऑटोमोबाइल्स इतने फेमस हो गए इंडिया में और उनके सेकेंड हैंड वैल्यू काफी कम होते तो यू कैन अगर सेकेंड हैंड जर्मन गाड़ी आई ट्वेंटी ब्रांड न्यू आई ट्वेंटी की कीमत से काफ़ी कम और ऐसे नहीं कि ये गाड़ी एकदम पुराने वाले है जो बीस साल पुरानी है या ऑडी जो लाखों किलोमीटर चली हुई है नहीं हम लोग काफी नए गाड़ी के बारे में एक बात करने वाले जो ज्यादा ड्रिव, जो ज्यादा किलोमीटर नहीं चले है और ज्यादा पुराने भी नहीं है हमने इस लिस्ट के लिए तीन क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। पहली जो मेन क्राइटेरिया है ये जो गाड़ी हम लिस्ट किए हुए ये दस लाख या दस लाख के नीचे की कीमत रहेगी दूसरी बात ये गाड़ी पचास हजार किलोमीटर के ज्यादा ऊपर नहीं कह रहे हैं इसलिए पचास हजार के नहीं है पे एक टायर चेंज ऑलरेडी हो, चुकी होनी चाहिए और दूसरी टायर की चेंज के पहले आपको थोड़ा टाइम है थर्टी टू फिफ्टी परसेंट है वो टायर में जो ऑलरेडी है गाड़ी पे जो आप चला सकते हो बिफोर आपको चेंज करना पड़े तो एक खर्चा उठाने के बाद दूसरी खर्ची इमिजिएट नहीं है पर थोड़ा टाइम के बाद और आखिरी वाली जो फिल्टर है कि जो पिछला ओनर है खाली एक ही पिछला ओनर होना चाहिए आप जो होगी आप दूसरा ओनर होना चाहिए इन टर्म आप सेकेंड ओनर होगी गाड़ी के पर पहले गाइज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरी पहली वीडियो है जहाँ मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं यूजली सारे वीडियोस इंग्लिश में बनाता हूँ पर मैं ये वीडियो मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे व्यूर्स और आपने कमेंट किए हैं कि आप मेरे सेकेंड हैंड वीडियोज़ हिंदी में देखना चाहते हो तो इसलिए हम ये वीडियो हिंदी में बना रहे हैं हमने ये वीडियो इंग्लिश में भी बनाई है और साथ में साथ ही साथ ये दोनों वीडियोज़ पब्लिश किए जाएंगे यूट्यूब पर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो सेम वीडियो तो इसका थंबनेल और नाम टाइटल का सेम ही रहेगा इंग्लिश लिखा रहेगा ब्रैकेट में आप वो वीडियो देख सकते also, हो ऑल्सो आपको कहना चाहता हूँ कि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हमारे चैनल पे काफ़ी सारा ऑटोमोबाइल रिलेटेड कंटेंट है हम न्यूज़ रिव्यूज़ टेक्नोलॉजी सेकेंड हैंड कास्ट सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं और आप ये भी बता सकते हो आप कौन सा टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो नेक्स्ट आप कमेंट सेक्शन में बता दो और हम बनाएंगे वीडियो पर तो एनी गाइज इनाफ से प्रमोशन अभी हम शिफ्ट करते हैं टॉपिक पर गाइज इंडियन मार्केट में जर्मन ऑटोमोबाइल्स ने काफी बड़ी इम्प्रेशन छोड़ी हुई है जब बात किया जाता है मोर्सी का बी ऑडी का, का ये तीनों इतने फेमस हो चुके हैं कि हर इंडियन बंदे को ये चाहत है कि ये ये कभी कभी ना कभी ये गाड़ी उनके गराज में पाक हो चलो चालू करते हैं गाड़ी के बारे में बात करना पहला गाड़ी जो मैंने ढूंढ निकाला आपके लिए ये गाड़ी मेरे को कार देखो वेबसाइट पे मिली है ये ऑडी 2008 टू 2013 वाली मॉडल है और ये काफी फेमस वाली गाड़ी है क्योंकि ये ऑडी जो थी ये ऑडी ए जो थी इनके थ्रू डीआरएल की डिजाइन ऑटोमोबल इंडस्ट्री में आ चुके थे कोई दूसरी गाड़ी की कंपनी डी आर एल की डिजाइन ऐसे नहीं बना रहे थे ऑडी पहली आड़ी पहली थी जो ऐसे डी आर एल की डिजाइन बना रहे थे और इसलिए सबसे फेमस जाना जाता है ये गाड़ी हर ऑडी की यूनिक आइडेंटिटी थी ये डी आर एल चाहे वो ए फोर या ए सिक्स या एट ये जो ऑडी मैंने दूर निकाली आपके लिए ये है ऑडी ए फोर की डीजल वाली वेरियंट ये डीजल वेरियंट फिफ्टी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर चली हुई है और इनका खाली एक ही पिछला ओनर हुआ करता था दूसरी सही बात ये गाड़ी की है कि ये नौ लाख से भी कम है ये गाड़ी की प्राइस 8.95 है। लीटर इंजन ब्रेक स पावर और थ्री ट्वेंटी टॉक डिलीवर करेगी और उनका एवरेज अप्रॉक्सीमेटली ट्वेल्व रहेगा क्योंकि ये डीजल है उसका और अच्छा पेट्रोल से तो अपन क्राइटेरिया देखें तो ज्यादा किलोमीटर नहीं चली है गाड़ी उनकी प्रीवियसली एक ही ओनर है और ये गाड़ी डीजल है तो इल व्यू बेटर माइलेज और ये 10 साल से कम है एज में ये ऑडी के इक्विवेलेंट बीएमडब्ल्यू में बवेरियन मोटर वर्क का गाड़ी जो आता है वो है बीएमडब्ल्यू की थ्री सीरीज प्राइमरी इंडिया में जब लॉन्च हुई थी दो इंजन के साथ आती थी एक है 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन और एक दूसरी है टू लीटर डीजल इंजन जो हम बात करने वाले हैं और जो मैंने दूध निकाला कार ट्रेड से ये है बीएमडल्यू की थ्री डी, ट्वेंटी डीजल वाली वेरियंट ये डीजल वेरियंट सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आती है और इसका वन सेवेंटी ब्रेक हॉस पावर है और उसका भी माइलेज अप्रोक्सिमेटी ट्वेल्व के आसपास है ये जो गाड़ी मैंने दूध निकाली आपकी के लिए वो फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर चली है और उनका भी एक ही प्रीवियस ओनर हुआ, हुआ करता था और सबसे बेस्ट बात ये गाड़ी ऑडी से भी सस्ती है ये गाड़ी जो मैंने ढूंढ निकाली है एट पॉइंट सेवन फाइव लैक्स रुपीस की है चलो मान लिया आपको ये गाड़ी थोड़ी पुरानी लगी डोंट वरी मैंने आज से दूसरी वीडियो बनाया मैंने जहाँ पे मैंने टाइप किया गोल्डी मोटर के साथ उनका दो ब्यूटीफुल बी एम डब्ल्यू थ्री ट्वेंटी डीज को दिखाने के लिए और मैंने शोकेस किया है वो दूसरा वीडियो में आप वो वीडियो देख सकते हो वो दोनों गाड़ियाँ थोड़ी और भी यंगर है वो टू वाले मॉडल है और तो हल्की महंगी है एज अ रिजल्ट उनकी प्राइस अप्रोक्सीमेट थर्टीन पॉइंट फाइव टू फिफ्टीन पॉइंट फाइव के आस है पर ये वाली गाड़ी जो मैं अपनी दूर निकाली कार ट्रेड वाली वो तो खाली एट पॉइंट सेवन फाइव लैक्स की है अभी ऑडी जो हमने बात की थी पहले उनकी रिव्यूनिक क्राइटेरिया थी द डीआरएस जो डी आर एल की डिज़ाइन एकदम फंटेस्टिक वाली डिज़ाइन पर बीएमडब्ल्यू में कुछ और दिलचस्पी थी बी एम की सबसे आइकॉनिक चीज़ है वो किडनी शेप ग्रिल्स जो किडनी शेप ग्रिल्स हमारे तरफ आ रहे हैं उनको मालूम पड़ता था इमिजिएटली कि वो बी एमडब्ल्यू और जो बंदा बंदी चला रही है वो गाड़ी वो एकदम अमीर है बी एमडब्ल्यू की दूसरी एकदम दिलचस्प एस्पेक्ट थी वो एंजलाइज खाली बीएमडब्ल्यू में अवेलेबल थे एंजलाइज जो प्रोजेक्ट हेडलैम्स के सराउंड में थे एंजलाइज ये एंजलाइज एल नहीं थे लाइक ऑडी में पर ये एकदम ब्यूटिफुल कलर जो दूर से दिखते थे एंजलाइज कभी भी नोटिस करो तो आप पता चलता है कि आपकी तरफ बी आ रहे हैं हाँ गाइज मैंने कहा कि मैं बेस्ट लास्ट के लिए छोड़ रहा हूँ और अभी मैं सबसे बेस्ट गाड़ी के बारे में बात करने वाला हूँ जो लिस्ट में है अपनी ये तीसरी और लास्ट वाली ये है मर्सिडीज़ की ओब्वियसली पर ये मर्सिडीज़ की सी क्लास नहीं है लेट मी एक्सप्लेन जो मर्सिडीज की सी क्लास है वो एग्जैक्ट कॉम्पिटिशन में आती है ऑडी ए की ए फोर से और बी की थ्री सीरीज से पर हम लोग सी क्लास के बारे में नहीं पर एक मॉडल उससे ऊपर एक मॉडल उससे ऊंची हम लोग ई e क्लास के बारे में बात करने वाले जब इंडिया में लॉन्च हुई थी ये वाली मर्सिडीज ये ई e क्लास इंडिया में आई प्राइमरी दो इंजन ऑप्शन के साथ एक पेट्रोल की वन लीटर और एक डीजल की टू लीटर पर हम जो बात करने वाले हैं ये इंजन के बारे में नहीं हम लोग इससे भी सुपीरियर वाले इंजन के बारे में बात करने वाले मैंने जो आपके लिए ढूंढ निकाला कार देको डॉट कॉम पे ये मर्सिडीज ई क्लास ये ऑर्डिनरी वाली मर्सिडीज नहीं ये in fact power sedan है ये इनफैक्ट पावर सिडेन है ये पावर रॉकेट है ये गाड़ी के हुड के नीचे है थ्री पॉइंट फाइव लीटर ये छोटी सी पिद्दू सी टू लीटर वाली इंजन नहीं ये थ्री पॉइंट इंजन है टू सेवेंटी सिक्स ब्रेक हॉस्पा है थ्री फिफ्टी फाइव न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉक वो एकदम जबरदस्त पावर है और ये दस लाख की कीमत में है ये इतनी पावरफुल मर्सिडीज एक ब्रांड न्यू आई ट्वेंटी की टॉप मॉडल से सस्ती है ये गाड़ी फोर्टी फोर थाउजेंड किलोमीटर चली है और इसकी प्रीवियसली एक ही ओनर हुआ करता था ये गाड़ी की उम्र 10 साल है तो मतलब ये क्राइटेरिया के अंदर भी फुलफिल होती है एट द सेम टाइम ये इतनी सस्ती गाड़ी है दिस इज द बेस्ट डील मेरी ओपिनियन के हिसाब से ये जब शोरूम से निकली थी 10 साल पहले इसकी कीमत हो ही करती थी एक्स शोरूम प्राइस 60 लैक्स की और अभी 10 लाख के लिए आपको मिल सकता है गाइस चलो मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं हम जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हमको ये टेंशन आता है कि इसका मेंटेनेंस इसका रनिंग कॉस्ट कितना होता है ये गाड़ीज के भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और इनका मेंटेनेंस हाई हो सकता है सपोजिंग जो मर्सिडीज़ हमने बात किया वो मर्सिडीज़ मर्सरी सर्विस सेंटर में जाओगे आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा पर इसका भी एक सोल्यूशन है जो आप डीलर से खरीदने जाओगे गाड़ी उनके पास यूजली रहता है सर्विस सेंटर जो ये गाड़ीज को मेंटेन करता है उनके पास बहुत सारे ऐसे लग्जरी कार्स होते हैं और वो लग्जरी कार्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है क्योंकि उनका सेल्स करना पड़ता है एज ए रिजल्ट उनके पास सर्विस सेंटर रहता है ऑलवेज जो गोल्डी मोटर्स है जिसके साथ मैंने टाइप किया उनके पास ऑलमोस्ट फिफ्टी लग्जरी कार्स है ऐसे और इनके पास एक गराज है जहां

और उनका रिलेशनशिप कस्टमर के साथ एकदम फर्स्ट क्लास मेंटेन करने के लिए उन लोग प्रोवाइड करते हैं ए वन सर्विस क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप वही गाड़ी उनको सेल करके आप एक बड़ा और गाड़ी ले लो फ्यूचर में आप ये वीडियो को पसंद किया तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना फैमिली के साथ और जो आप जानते हो जो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं हमने काफ़ी सारे सेकंड हैंड लग्जरी कार वीडियोज़ बनाए प्लीज़ ऑल कैन ऑलके उसका पूरा प्लेलिस्ट है वो आप चेक कर सकते हो आपको पसंद आए तो और गाय सब्सक्राइब करना भूलना मत क्योंकि वो मेरे को मोटिवेट करेगा ऐसे सारे वीडियोस बनाते रहने के लिए आपके लिए गाय आप मेरे को इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो विद द सेम नेम द मोटरिंग गॉसिप और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा चियर्स